फ्रेंड्स, मैं रंजीत सिंह आप सबका एक बहुत ही अलग से प्रोग्राम में स्वागत करता हूं, जिसका नाम है फाइनेंशियल टॉक विद रंजीत सिंह, प्रेजेंटेड बाय बीआई। तो चलो करें कुछ सीरियस बातें मस्ती के साथ। दोस्तों, बहुत सारे लोग अपने फाइनेंशियल गोल को अचीव नहीं कर पाते हैं क्योंकि उन्होंने अपने गोल को कभी आइडेंटिफाई ही नहीं किया, और क्योंकि उन्होंने अपने गोल को कभी आइडेंटिफाई नहीं किया इसलिए उस गोल पर कभी काम ही नहीं हुआ। तो दोस्तों, इससे पहले कि हम और आगे बढ़े, मैं आपको इस प्रोग्राम का फ्लो बताना चाहूंगा। हमारे साथ में एक फाइनेंशियल एडवाइजर हैं, हम उनसे फाइनेंशियल इंडस्ट्री से रिलेटेड कुछ सवाल पूछेंगे और वो हमें उसका जवाब देंगे। हमारे साथ में एक हेल्थ कोच भी हैं। हमारे फाइनेंशियल एडवाइजर से हमें जो जवाब मिलेगा, हेल्थ कोच उस जवाब से लिंक कुछ ऐसे टिप्स देंगे जिनका हमारी हेल्थ इंप्रूवमेंट में फायदा हो सकता है। और इसके अलावा, जैसा कि आप सब जानते हैं, हमारे साथ में एक जज भी हैं जो आज के मिले ज्ञान का निष्कर्ष हम सबके सामने रखेंगे। तो आइए मैं आपका इन सब से इंट्रोडक्शन कराता हूं। नमस्कार सर। ये मिस्टर जस्मीन भानुशाली हैं और मुंबई बेस्ड सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर हैं। देन मिस्टर इंदर अजानी, नमस्कार सर। नमस्कार। ये एक हेल्थ कोच हैं और नवी मुंबई से ऑपरेट करते हैं। देन लास्ट बट नॉट द लीस्ट, डॉक्टर दलबीर सिंह, जो बाय प्रोफेशन डेंटिस्ट हैं और आज इस शो में एक जज का रोल अदा कर रहे हैं। थैंक यू रंजीत जी, एक बात बोलना चाहूंगा। तुझमें छिपे हैं मेरी जिंदगी के हजारों राज, तुझे वास्ता जिंदगी का, जरा खुद को संभाल के रख। क्या बात है सर, आपके इस शारहाना अंदाज को मेरा सलाम है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। जस्मीन जी, मैं आपसे हेल्थ इंश्योरेंस और मेडिक्लेम के मुद्दे पर बात करना चाहूंगा कि हेल्थ इंश्योरेंस में जब क्लेम आता है, यानी कि पेशेंट हॉस्पिटल में एडमिट है, उसके हेल्थ इंश्योरेंस की पॉलिसी एक्टिव है और डिस्चार्ज के वक्त हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी किसी रीजन से इंश्योरेंस के क्लेम को रिजेक्ट कर देती है। मैं आपको एक रीजन बताता हूँ कि एक पेशेंट थे जिन्होंने हेल्थ इंश्योरेंस की पॉलिसी जब ली थी तो फॉर्म भरते वक्त उन्होंने इस चीज़ को डिक्लेयर नहीं किया था कि हेल्थ इंश्योरेंस लेने से पहले उन्हें वो कुछ ब्लड प्रेशर की दवाइयाँ खाते थे। तो इंश्योरेंस कंपनी के इस रवैये पर आप क्या कहना चाहोगे? फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू रंजीत फॉर कॉलिंग मी दिस एपिसोड। देखिए, हेल्थ इंश्योरेंस एक कॉन्ट्रैक्ट है, यानी कि वो कुछ टर्म्स एंड कंडीशन पर चलता है। अब क्लाइंट को इस कॉन्ट्रैक्ट में आने से पहले, मतलब हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी लेने से पहले, वो टर्म्स एंड कंडीशन पता होने चाहिए। इन मोस्ट ऑफ द केसेस क्लाइंट्स वो टर्म्स एंड कंडीशन पढ़ते नहीं है, क्योंकि उन टर्म्स एंड कंडीशन को पढ़ना और उसे समझना क्लाइंट्स के लिए डिफिकल्ट होता है। एक्चुअली ये फाइनेंशियल एडवाइजर का काम है कि वो क्लाइंट की ज़रूरत को समझे और उसकी ज़रूरत के हिसाब से प्लान दे, और जो भी प्रिकॉशन पॉलिसी लेते समय लेने चाहिए उसका ध्यान फाइनेंशियल एडवाइजर रखे। जैसे कि अगर क्लाइंट को कोई दवाई खाता हो तो उसे बताना ज़रूरी है। क्लाइंट को कोई हैबिट हो, जैसे कि शराब पीने की, सिगरेट पीने की, या फिर पहले कभी क्लाइंट का कोई हॉस्पिटलाइजेशन हुआ हो, तो ये सब पॉलिसी में फॉर्म में मेंशन करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि इन्हीं सब चीज़ों को ध्यान में रख के इंश्योरेंस कंपनी ये डिसीजन लेती है कि उस इंसान को इंश्योरेंस देना चाहिए या नहीं, या फिर कभी कभी इंश्योरेंस कंपनी एक्स्ट्रा प्रीमियम लेके भी इंश्योरेंस एक्सेप्ट कर लेती है। ये सारी चीज़ बताने के बाद भी अगर क्लेम रिजेक्शन होता है तो इंश्योरेंस एडवाइजर की मदद से क्लेम सेटलमेंट करने की कोशिश करनी चाहिए। जस्मीन जी, आपने बहुत ही सही बताया कि क्लाइंट की ज़रूरत को समझना फाइनेंशियल एडवाइज़र का काम है, क्योंकि फाइनेंशियल एडवाइज़र क्लाइंट की लाइफ में एक फाइनेंशियल डॉक्टर का रोल प्ले करता है, और क्लाइंट की हेल्थ को मजबूत बनाए रखने का काम फाइनेंशियल एडवाइज़र जो है वो बहुत अच्छे से कर सकता है। इसके लिए क्लाइंट की फाइनेंशियल हेल्थ को मजबूत बनाए रखने के लिए फाइनेंशियल एडवाइज़र का रोल बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। सो थैंक यू वेरी मच जस्मीन जी, आपने बहुत सारी चीज़ों को बहुत ही कम शब्दों में हम सबके सामने रखा। थैंक यू वेरी मच वंस अगेन। अब मैं मिस्टर इंदर अजानी के पास जाना चाहूँगा जो हेल्थ कोच हैं। सर, आपने मिस्टर जस्मीन भानुशाली जो एक सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर हैं उनको आपने सुना, अब आप किस तरह से अपने प्रोफेशन की लैंग्वेज में सलाह देंगे उन लोगों को जो हेल्थ इंश्योरेंस तो करवाते हैं लेकिन हेल्थ इंश्योरेंस की कुछ चीज़ों पर सवाल भी उठाते हैं? तो ओवर टू यू सर। देखो रंजीत, मैं एक जो न्यूट्रिशन सेंटर चलाता हूँ, मेरे क्लब में रोज़ कम से कम 40 से 50 लोग आते हैं जो हेल्थ के बारे में जानना चाहते हैं। पहले हम उनका एक बॉडी फैट एनालिसिस करते हैं कि बॉडी के फैक्टर्स पूरे बताते हैं, उनकी हेल्थ की स्थिति क्या है। उसके बाद जो लोग सीरियस हैं वेट लॉस के लिए, उनको बताते हैं कि हमारे न्यूट्रिशन प्रोडक्ट के साथ में क्या क्या सावधानी बरतनी है, डाइट पर क्या खाना है उनको, पानी कितना पीना है, नींद कितनी करनी है, बॉडी कितनी मूवमेंट देनी है। अगर ये सब चीज़ें पर अच्छी तरह से ख्याल रखते हैं तो बहुत अच्छे रिजल्ट आते हैं और गैंड रिजल्ट आते हैं। वैसे ही इंश्योरेंस में भी, इंश्योरेंस लेने से पहले लोगों को ठीक से टर्म्स एंड क्लॉज पढ़ने चाहिए, डिस्क्लेमर्स पढ़ने चाहिए। ये सब पढ़ के ही आगे जब जाते हैं तब क्लेम का वक्त आता है तो कोई परेशानी नहीं होती है उनको।
बहुत बढ़िया सर, इसमें कोई दो राय नहीं कि आप एक बहुत ही बढ़िया हेल्थ कोच हो। आपकी एडवाइस लेकर बहुत सारे लोगों को फ़ायदा हुआ है। मुझे यकीन है कि आपकी अभी भी आपने जो बोला है उसको सुनकर बहुत सारे लोगों को फ़ायदा होगा। सो थैंक यू वेरी मच सर। यू मोस्ट वेलकम रंजीत। तो चलिए चलते हैं आज के इस प्रोग्राम के आखिरी पड़ाव पर, जहाँ पर डॉक्टर दलबीर सिंह जो जज हैं, मिस्टर इंदर अजानी और मिस्टर जस्मीन भानुशाली की बातों का निष्कर्ष हम सबके सामने रखेंगे। तो यस सर, ओवर टू यू। मेरी जजमेंट ये है कि हेल्थ और वेल्थ दोनों ही एक खुशहाल जिंदगी जीने के लिए बहुत जरूरी हैं, और अगर हमें हेल्दी या खुशहाल लाइफ जीनी है तो एक अच्छा डॉक्टर मिलना बहुत ही जरूरी है, जो इस चीज का इंतजार ना करे कि ये आदमी बीमार कब होगा, और एक अच्छा फाइनेंशियल एडवाइजर मिलना भी बहुत जरूरी है, जो इस चीज का इंतजार ना करे कि इनके पास पैसा कब आएगा और कब ये इन्वेस्ट करेंगे। और साथ ही साथ मैं जनता को भी ये सलाह देना चाहूंगा कि बिना उनके कोऑपरेशन से एक अच्छा फाइनेंशियल एडवाइजर या अच्छा डॉक्टर भी उनके लिए अच्छे काम नहीं कर सकता। सिंह साहब, आप एक डॉक्टर हैं और आप भी एक एडवाइजर का रोल अदा करते हैं आपके क्लाइंट की लाइफ में, शायद इसीलिए आपकी भावनाएं आपके निष्कर्ष में मुझे नजर आई। सो थैंक यू वेरी मच सिंह साहब। दोस्तों